नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल गोल्ड स्काई में। बवासीर के दौरान फलों का सेवन शरीर में पानी की पूर्ति के लिए उपयोगी होता है। फलों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कब्ज से बचाव करता है और बवासीर के दौरान मल त्याग के समय होने वाली परेशानियों से राहत देता है। इसके अलावा फलों में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को एनर्जेटिक रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप बवासीर में बेझिझक खा सकते हैं। सेब, ये तो हम सभी जानते हैं कि रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है, न सिर्फ डॉक्टर बल्कि बवासीर को भी दूर रखता है। सेब में फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो पाचन दुरुस्त करता है और कब्ज से सुरक्षा करता है। इसमें पेक्टिन नामक एक फाइबर मौजूद होता है जो आंतों को साफ करता है और मल त्याग को आसान बना देता है। इसके सेवन से मल मुलायम हो जाता है और बवासीर में दर्द नहीं होता। केला, केला रेजिस्टेंट स्टार्च और पेक्टिन से भरपूर फल है। एक केला में तकरीबन 3 ग्राम फाइबर होता है जो पाचन दुरुस्त करता है, पेक्टिन मल को जेल की तरह बना देता है और आंतों में मूवमेंट को बेहतर बनाता है, जिससे मल त्याग कुछ ही सेकंड में हो जाता है और बवासीर का दर्द नहीं झेलना पड़ता। रसबरी, लगभग 1 कप रसबरी में 8 ग्राम फाइबर होता है जो फाइबर में डेली इनटेक का कोटा पूरा करता है। इसमें 85% पानी होता है जो कब्ज और पेट के ऐंठन को कम करता है और मल त्याग को सरल बनाकर बवासीर से राहत दिलाता है। नाशपाती फाइबर से भरपूर होता है, बवासीर में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। यह मल मुलायम करता है और कब्ज से दूर रखता है। नाशपाती के छिलके में आवश्यक फाइबर होते हैं, इसलिए नाशपाती को छिलके सहित खाएं। पपीता, पपीता में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होता है जो पूरे पाचन तंत्र को मजबूत रखता है और कब्ज से राहत दिलाकर बवासीर में मल त्याग की पीड़ा से राहत दिलाता है। पपीता में पेपेक नामक एक विशेष एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया को सुचारू करता है और कब्ज एवं गैस से छुटकारा दिलाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।